गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट गुरु। दोस्तों, ये जो टेस्ट हुआ था 20 मई 2020 को, उसी का ये सॉल्यूशन हम देखेंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट के टोटल 10 क्वेश्चंस लगाए गए थे ग्रुप में, और उसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। ये सारे क्वेश्चंस जो है NTPC और ग्रुप डी के साथ साथ सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान से सीखें। ठीक है फ्रेंड्स, कल का फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि कितने वर्षों में 8,000 रुपया 3% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपया हो जाता है। आपको इसमें निकालना क्या है, टाइम आपको निकालना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपके पास P बराबर दिया हुआ है 8,000 रुपया, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या दिया, R बराबर दिया 3% दिया हुआ है। आगे क्या दिया, उतनी ही आय देगा जितना कि 5 वर्षों में। अब सेकेंड दे दिया है, मेरे पास टाइम टू दे दिया है, सेकेंड टाइम दे दिया है 5 वर्ष, जबकि रेट दे दिया है R2 दे दिया मेरे पास 4%, और मेरे पास P बराबर दिया हुआ है, P2 बराबर दिया है 6,000 रुपया दिया है। ठीक, ये सारे डाटा है। अब इसमें हमको T निकालना है कि ये दोनों का रेट टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो इक्वल हो जाएगा। देखिए क्या कर सकते हैं, 5 को 20%, तो 6,000 का 20% निकाल देंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, 1,200 रुपये, और ये मेरा क्या निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया। क्योंकि हम ये करते, देखिए शॉर्ट देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए, 6,000 × 5 × 4 / 100, क्योंकि यहाँ से हम ब्याज लेते तो जाकर के हम ब्याज इसमें रखेंगे तो हमारे पास समय निकल करके आएगा। 00 से 00 तो 5 को 20 6 को 20 से 10 कर देंगे तो 1,200 आ जाता। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो 5 में रेट इंटू टाइम कर देंगे तो 5 को 20 और मूलधन का 20% मेरे पास ब्याज आएगा, तो 20% ब्याज बराबर 1,200। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 1,200 रुपये मेरे पास तो ब्याज मिल गया, अब इस ब्याज से हम इसमें ऐड कर करके यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। चूंकि समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ब्याज मिल गया आपके पास 1,200 × ब्याज गुणे 100 कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय होता है, तो 8,000 हो गया और इंटू के 3 हो गया। ये 000 से 20 और 10 कटा सकते हैं, 4 × 9 = 8, 4 × 3 = 12, 3 से 3 ये कट गया और ये 2 से कट गया, ये 5। इस तरह से राइट आंसर इसका क्या हो जाता है, 5 वर्ष हो जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर C में मेंशन किया गया है। तो आप इसे अगर सही बना लिए होंगे तो ये आपका एक नंबर ऐड हो जाएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का स्कोर कैसा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और प्रतिदिन आपको ग्रुप में कुछ ना कुछ होता है, इसलिए आप जल्द से जल्द ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यदि कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो वह 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। इसे दो मेथड से करते हैं, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, या एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक बेसिक और एक ट्रिक भी समझ लेते हैं। तो बेसिक को हम आगे की कक्षा में हम चर्चा कर लेंगे, इसका आगे की पार्ट के लिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, दो गुणा जहाँ पर बोलेगा, जहाँ पर वो दो गुणा बोलता है या 5 गुणा बोलता है, जितना गुणा बोलता है उसमें माइनस का 1 हम कर लेते हैं, राइट, और इंटू का 100% कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कर सकते हैं कि ये 100% राशि हो गई, और ये 100% राशि कितने वर्षों में हो रही है, तो ये 16 वर्षों में हो रही है। ध्यान दीजिएगा बात को, ये 100% राशि 16 वर्षों में ये हो रही है। ठीक, और आपसे क्या पूछा है कि 8 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगी, तो 8 वर्षों में गुना होने होगा, तो ये देखिए इसका हाफ है 8 वर्ष, इसका भी हाफ कर लेंगे हम तो 50% आ जाएगा, राइट। अब 50% होने में लगा समय क्या होगा, 8 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी, तो लगा समय जो हो जाएगा वो थोड़ा सा, रुक जाइए, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 8 वर्ष हो गया। अब यहाँ से जब बोले क्या बोल रहा है कि कितनी गुनी हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट आपका 1.12 गुणा ये हो जाएगा। ठीक, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, एक फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, जितना गुना बोलेगा उससे -1 यानी N1 - 1 / T1 कर देंगे, इसके इज इक्वल टू में N2 - 1 / T2 कर सकते हैं। देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा बात को, N1 क्या है, गुनी है, T क्या है, समय है, पहले भी हम बनाते आए हैं इस पर, बस दोनों को हम इक्वल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। दो गुणा बोला है तो दो गुणा में, दो में से -1 हुआ तो 1, और कितने वर्षों में बोला है, तो ये बोला है आपके 16 वर्षों में दोगुना हो जाता है बराबर में। अब क्या बोल रहा है कि वह 8 वर्षों में, यानी 8 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, तो N2 - 1 कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो 8 × 16 दो बार में कट जाएगा, दो में N2 से गुना होगा तो 2N2 - 2 हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मेरे पास है,
अब ये माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, तो कर सकते हैं कि टू एन टू बराबर के थ्री कर सकते हैं, चूंकि माइनस था तो बाउंड्री पार आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा। तो यहां से जब हम करेंगे तो ये एन टू बराबर हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा, और थ्री बाई टू को और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांक दो एकम दो और एक कितना हो गया तीन, इतनी गुनी वो हो जाती है। तो देख सकते हैं यहां से भी आ सकते हैं आंसर आपका, यहां से भी आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग प्लीज इसे लाइक करें, और जो लोग सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं उसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया था। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो वीडियो है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का ऑफलाइन वीडियो चल रहा है, अभी हम लाइव क्लास नहीं आते, इसके पहले के सारे पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां पर चेक कर सकते हैं, हम वहां पर लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीन क्या शो कर रहा है कि राम ने महेश से एक रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपया वापस कर दिए, राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था। यानी कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके पास रेट कैसे दिया है, तो 8 पैसे, 1 रुपया में 8 पैसा, यानी कि रेट बराबर दिया है। 1 रुपया में कितना होता है 100, और उसमें कितना पैसा दे दिया तो 8 पैसे, ये रेट 1 रुपया में होता है 100 और उसमें कितना रेट दे दिया तो 8, यानी 8/100, इसको हम कर सकते हैं 8%, ये कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या बोला कि 3 वर्षों के बाद, यानी T1 बराबर समय बराबर मिल गया आपके पास, 3 वर्ष मिल गया, और क्या बोलता है कि महेश को कुल 1178 रुपया देता है 3 वर्ष के बाद। यानी कि जब देता है, हम आपको पैसा देते हैं और आप वापस हमारे पास जब लाइएगा तो उसमें ब्याज ऐड हो जाता है। और मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय बंधु, जब मूलधन के साथ में ब्याज को जमा कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट, यानी मिश्रधन बन जाता है। और अमाउंट कितना दिया है मेरे पास, 1178 दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये अमाउंट, अब यहीं से मेन कॉन्सेप्ट है, इसे समझिएगा ध्यान से। ये 1178 का निर्माण करने में दो डाटा का काम पड़ा हुआ, एक मूलधन और एक साधारण ब्याज। मूलधन हमेशा 100% होता है, कोई डाउट नहीं। यहां से अगर रेट इनटू टाइम कर लेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो 8 में 3 से गुणा हो गया तो कितना हो गया, 24% हो गया। इस तरह से 124% मेरे पास टोटल क्या बनेंगे, मिश्रधन बनेंगे। और 124% मिश्रधन बने, या 1178 रुपया मेरे पास मिश्रधन बन गया। तो यहाँ चूंकि मूलधन हमसे पूछा है, आपसे पूछा क्या, मूलधन पूछा है, और मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% ही होता है। ठीक है, तो जब 100% होता है तो 124% बराबर 1178 रुपया, तो 100% बराबर हो जाएंगे आपके 100/124 और इंटू के 1178। आप इसे टोटल कैलकुलेट कर दीजिएगा तो टोटल टर्मिनेट करने के बाद इसे 950 रुपया आप पाइएगा। देखिए, जो लोग फार्मूला से सीखना चाहते हैं उनके लिए फार्मूला है। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, मिश्रधन गुणे 100/100+RT कर दीजिएगा। ठीक, अमाउंट कितना हो गया आपके पास, 1178 हो गया इंटू के 100 हो गया, बट्टा में आरटी कर रहे हैं हम तो 24 आया, और 100 करेंगे तो 124 आया। तो बिल्कुल यही चीज़ हो जाता है, ये फार्मूला हो गया और ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ से भी टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 950 रुपये आपका आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या शो कर रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है, यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी दर और आपका समय दोनों इक्वल करती है, तो समय क्या हो। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास मूलधन नहीं दिया, तो मूलधन को हम 1 रुपया मान सकते हैं। पहले हम बेसिक की बात कर लेते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक हम देंगे। मूलधन बराबर इतना हो गया, तो जब साधारण ब्याज हम निकालेंगे तो साधारण ब्याज हो जाएगा 9/16, यानी 9x/16 रुपया आपका हो जाएगा। ठीक, ये 16 रुपया हो गया। अब जब आगे पढ़ेंगे तो चूंकि समय बराबर के दर है, ये दर है, तो दर प्रतिशत, अभी दोनों को हम टी भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि एक्स हम मान लिए इसलिए हम एक्स नहीं मान रहे। आगे जब करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100/ मूलधन, यही तो फार्मूला होता है। यहाँ से बराबर में हम कर सकते हैं समय इंटू दर, समय इंटू दर हमने कर दिया। अब जब करेंगे तो मेरे पास ब्याज कितना दे दिया, 9x, तो यहाँ से हो जाएगा 9x इंटू के 100/ मूलधन कितना हो गया, 16x कर सकते हैं, या 16x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ से करेंगे तो समय और दर दोनों जो बराबर था, दोनों के लिए हमने टी माना था, बराबर में हम टी रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं।
आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका टी इसके लिए आएगा और टी इसके लिए यानी टी डबल टी आएगा, एक समय के लिए और एक दर के लिए, क्योंकि समय के लिए एक टी और दर के लिए एक टी। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर बराबर 200, ये कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 × 16, 4 × 25 = 100। तो 25 × 9 = 225, ये एक से कट जाएगा और बट्टे के 4 आ जाएगा, ये 4। अब यहाँ से जब करेंगे तो मेरे पास आएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ा देगा, यानी रूट ओवर 225 बट्टे के 4 आ जाएगा। तो 225 का रूट कितना होता है, 15 होता है और 4 × 2 होता है, तो ये कट जाएगा तो 7.5 आ जाएगा। ठीक, अब ये 7.5 जो आ गया वो क्या आ गया, आपका समय आ गया। 7.5 को यानी 7.5 वर्ष यानी 15/2 यानी 7.1/2 भी हम लिख सकते हैं। देखिए ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक रूप से, और हम चाहेंगे कि आप इसे कभी भी फॉलो ना करें क्योंकि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बस आप लोग की संतुष्टि के लिए हम कर देते हैं। देखिए यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये आपका ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, जब समय, ध्यान दीजिएगा बात को, समय और दर दोनों बराबर होगा तब, क्योंकि हम साधारण ब्याज बराबर जानते हैं आर टी होता है, आर बराबर भी जितना रहेगा टी बराबर भी उतना रहेगा, यानी इसको एक्स मानते हैं तो इसको भी एक्स मानेंगे, इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। राइट, आपके पास संख्या क्या दिया है, कुछ मत देखिए, केवल संख्या देखिए, जब दोनों इक्वल हो जाएगा ना, दर और समय दोनों इक्वल हो गया तो आपके पास संख्या देख दिया है कितना, 9/16, बस इंटू के 100 कर दीजिए और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर से रूट चढ़ जाएगा, 4 × 16, 4 × 25 = 100, तो 25 × 9 = 225 बट्टे के 4 आ गया, ये रूट हो गया, 225 का वर्गमूल हो गया 15 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो करेंगे तो 7.1/2 मेरे पास आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, आप इसे ही हमेशा फॉलो करें। ठीक, इस पर आप जाइएगा तो भूल भी, मतलब थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है और आपके पास उतना टाइम हो नहीं पाता है डील करने के लिए, तो इसलिए आप इसे हमेशा गेन करें और ऐसे चीज़ों को, शॉर्ट फॉर्म को समझने का कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शो कर रहा है कि किस सरल ब्याज की दर में कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। देखिए पहले इसका बेसिक बात कर लेते हैं, पी बराबर मूलधन बराबर नहीं पता है तो हम एक रुपया मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर जब मिश्रधन बात करेंगे तो क्या बोल रहा है, 2 गुना हो जाता है मूलधन का, एक्स है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2x हो जाएगा। अब ब्याज बराबर जब हम निकालेंगे तो ब्याज बराबर हम जानते हैं मिश्रधन और माइनस के मूलधन होता है, तो मिश्रधन 2x और मूलधन मेरे पास x, जब माइनस करेंगे तो मेरे पास ब्याज मिल जाएगा ₹1, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से दर प्रतिशत निकालना है, दर बराबर क्या होता है, ब्याज, ब्याज मेरे पास x है, ब्याज गुणे 100, ये x ऐसे कर देते थोड़ा सा क्लियर रह जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है x, इंटू समय कितना दिया है आपके पास 20, x से x डिवाइड हो जाएगा, 20 × 5 = 100, इस तरह से 5 हो जाएगा मेरा, 5% आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे आंखों ही आंखों में कैसे बना सकते हैं, इसको समझते हैं, बस थोड़ा सा इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसका आप कॉन्सेप्ट जो है मैंने उसको देखिए, 2 गुना, इससे पहले मैंने जिक्र किया कि जितना गुना बोलेगा उससे -1 हमेशा कम लेना है, कितना बोला है मेरे भाई 2 गुना बोला है, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुणे के 100 फॉर्मूला से, और कितने वर्ष आपके पास दिए हैं 20, तो 20 × 5 = 100, तो 5 आपका राइट आंसर, ये सिंपल सी बात है। तो इसलिए छोटे छोटे चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास करें, और ये सारे चीज़ हमने पिछले वीडियो में भी बता रखे हैं और इसमें भी बता रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपसे कि 5000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल एक प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग इसे बना लिए होंगे। देखिए आर टी करेंगे 8 × 3 = 24% हो जाएगा, और 5000 का 24% कर देंगे तो 5000 × 24/100, तो 24 × 5 = 1200 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं बात को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपसे कि 4% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष के पश्चात किसी धन पर अर्जित साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपया है। ठीक, तो मूलधन क्या होगा ये आपसे बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास मूलधन नहीं दिया है, मूलधन पूछा है आपसे, और दोनों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देख दिया है 16 रुपया। तो सबसे पहले हम पी बराबर मानते हैं 100 रुपया, 100 रुपया जो मानते हैं तो 2 वर्ष का, चूंकि 2 वर्ष का बोला है ना, टी बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष ही हो जाएगा, और यहाँ से जब हम बात करेंगे आर का तो आर बराबर हो जाएगा मेरे पास 4% हो जाएगा। तो यहाँ से जब करेंगे तो 100 × 4 × 2/100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास कितना 8 रुपया ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से निकालेंगे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, फर्स्ट वर्ष का
फर्स्ट ईयर का सीआई, ठीक। चूंकि यहाँ से हम दो वर्षों का अंतर पूछा था, साधारण ब्याज तो निकाल लिए, अब दोनों वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो जानते हैं कि एक सौ गुणे चार इंटू एक बट्टा में सौ, इस तरह से हो जाएगा कितना मेरे पास, ये चार रुपया हो जाएगा, चार रुपये ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमने एक वर्षों का क्यों निकाला, चूंकि एक वर्षों का साधारण ब्याज और एक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक वर्ष का पहले निकाला। अब जब बात कर ले दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का जब निकालेंगे तो मेरे पास पी देखिए सौ रुपया था, और चक्रवृद्धि ब्याज में जो राशि मिलती है हमें ब्याज के तौर पर वो जमा हो जाती है मूलधन में, तो सौ रुपया और चार रुपया कितना हो गया आपका, एक सौ चार रुपया हो गया। और रेट कितना दिया है, चार, और इंटू समय कितना दिया है, एक। अब समय एक ही ना बच गया, चूंकि टोटल मेरे पास दो वर्ष थे, एक वर्ष मैंने ले लिया, बचे कितने, एक वर्ष, और बटा के सौ हो गया, तो चार से घटा सकते हैं पच्चीस बार, छोड़ दीजिए, एक सौ चार में चार से गुणा कीजिएगा तो चार सौ के सोलह, चार सौ, चार सौ सोलह हो जाएगा, बटा में सौ हो जाएगा, ये कटाएंगे तो यहाँ पर चार दशमलव एक छः रुपया ये दे देगा, ठीक। अब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, चार रुपया ये और चार रुपया ये, आठ रुपया सोलह पैसा हो गया, आठ रुपया सोलह पैसा हो गया, ठीक। अब यहाँ से आठ रुपया सोलह पैसा हो गया, अब टोटल आपके पास ये कितना दिया था, साधारण ब्याज कितना दिया था, आठ रुपया दिया था, तो आठ रुपया दोनों को माइनस कर लिए, बराबर में हम देखिए तो यहाँ से जीरो पॉइंट एक छः रुपया हम अंतर निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना। अब या तो वो पॉइंट सोलह का अंतर, देखिए जीरो पॉइंट एक छः का वो अंतर दे रहा है, कितने पर दे रहा है, तो सौ रुपये पर दे रहा है, क्योंकि हमने मूलधन कितना माना था मेरे भाई, सौ रुपया ही माना था, तो जीरो पॉइंट एक छः का वैल्यू कितना हो गया, इतना। तो आपके पास टोटल चाहिए कितना, सोलह रुपये पर कितना होगा, तो देखिए तो सौ इंटू सोलह बटा में आपके पास जीरो पॉइंट एक छः, सौ, हमने सोलह क्यों लिया, क्योंकि आपके पास अंतर दिया है सोलह रुपये का, तो इसलिए हमने सोलह रुपये अंतर वाला लिया, तो ये पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो चला जाएगा, तो ये सोलह से सोलह कट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो गुणा के सौ आ जाएगा, तो सौ में सौ से गुणा आ जाएगा, आपके पास दस हज़ार रुपया आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया लॉन्ग फॉर्म, हो गया बेसिक, हो गया। अब इसके शॉर्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं, देखिए दो वर्षों का जब आपको अंतर निकालना होगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अंतर, अंतर कितना है मेरे पास सोलह, अंतर गुणे सौ गुणे सौ, सॉरी अंतर गुणे सौ बटा में दर स्क्वायर, दर कितना है चार इंटू के चार, चार चौक के सोलह, चार चौक के सोलह पूरी तरह से कट जाएगा, सौ में सौ से गुणा कितना आ गया आपके पास, दस हज़ार रुपया आ गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म था, अब इसे ध्यान में रखें, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, अंतर गुणे सौ बटा में आर स्क्वायर, या दर स्क्वायर कर सकते हैं या फिर आर इंटू आर भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ से हो गया अंतर बराबर है आपके पास मिल गया सोलह, फॉर्मूला से डबल सौ रहेगा, ये केवल दो वर्षों के लिए, ध्यान दीजिएगा ये केवल दो वर्षों के लिए, तीन वर्ष जैसे ही आएगा हम उसके अभी ट्रिक्स बता देंगे। तो यहाँ से आपने ये देखा, ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अपने इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शो कर रहा है, आठवां क्वेश्चन, कि यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाती है, तो आयकर की दर प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, आप इसे देख भी सकते हैं, ठीक। देखिए इसका लॉन्ग प्रोसेस की बात हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं। देखिए कितनी कम हो रही है आपके पास, तो एक कम हो रही है, ठीक, और कितना पहले बढ़ जाता था, 19% बढ़ जाता था, और बढ़, देखिए माइनस सात, एक चीज़ देखिएगा, माइनस सात रुपये कमी और सात रुपये की वृद्धि, टोटल आपने कितने किए, चौदह रुपये किए, क्यों, क्योंकि सात से माइनस छः माइनस पाँच माइनस चार माइनस तीन माइनस दो और माइनस एक, फिर आप जीरो पर आइएगा तब ना पुनः सात पर जाइएगा, तो माइनस सात से प्लस सात तक आने में आपने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, चौदह रुपये का तय किया। तो इस तरह से एक रुपये का जो कमी हो रहा था और 19% बढ़ रहा था, तो 19% तब ना बढ़ा होगा जब एक पे ये पहुंचा होगा, और इंटू के सौ, बस सिंपल सी बात है, तो एक बट्टा 19 और एक कितना हो गया 20 इंटू के सौ, तो ये कट गया तो मेरे पास 5% आ गया, सिंपल सी बात, ठीक। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, और हाँ फ्रेंड्स आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, और कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि कितना आप लोगों ने सही किया, ठीक है फ्रेंड्स। बस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पर। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहा है, कि नम्रता 8000 रुपये जमा करती है जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उसकी राशि कितनी होगी। फ्रेंड्स अगर पिछले की वीडियो आप देखे होंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में कर सकते हैं, बस देखते ही देखते कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक वीडियो को, जिसके थंबनेल पर साधारण ब्याज लिखा हुआ है। देखिए क्या बोलता है, अब ये टोटल इंक्रीजिंग कितना कर रहा है, 2% का वृद्धि कर रहा है, कितने वर्षों तक कर रहा है, 3 वर्षों तक कर रहा है, राइट। ध्यान दीजिए बात को,
साधारण ब्याज में तो इक्वल बढ़ता है, तो पहले वर्ष 2%, दूसरे वर्ष 2% और तीसरे वर्ष 2%, इस तरह से टोटल वृद्धि मेरे पास कितना हो जाएगा, 3×6% हो जाएगा। ठीक, ये 6% का वृद्धि किस पर कराएगा, तो मूलधन पर कराएगा। तो मूलधन मेरे पास कितना, 8,000 रुपया, 6% का वृद्धि इसलिए कर देंगे, तो 8,648,480 रुपया ये वृद्धि कराएगा। तो ये वृद्धि अब जब कराएगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो मिश्रधन बन जाएगा। और मिश्रधन मेरे पास दिया है पहले से कितना, 9,200 रुपया दिया है, इसमें 480 का ये वृद्धि करा दिया, तो बस यहाँ पर वृद्धि करा दो आप, 9,496,80 रुपया, सिंपल सी बात है। ठीक, तो यहाँ से राइट आंसर कितना हो जाता है, 9,680 रुपया हो जाता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या शो करे आपकी स्क्रीन पर, कि एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है, वह उसके एक अंश को 5% प्रतिवर्ष पर एवं शेष अंश को 6% प्रतिवर्ष पर विनियोग करता है, यानी देता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ही लागू है, 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज 2,580 रुपया है, तो 5% पर कितनी राशि नियोजित की गई थी। देखिए यहाँ पर आपके पास रेट कितना दिया है, 5% दर दिया है, विनियोजित राशि 100 रुपया हम मानते हैं, आर बराबर 5%, और जो विनियोजित राशि बोल रहा है यानी पी, उसको हम मानते हैं 100 रुपया, तथा एक और दिया है आपके पास 6% की दर से। अब देखिए टोटल 12,000 रुपये पाता है, तो एक वैल्यू को हम एक्स मानते हैं, तो एक्स इंटू 5 इंटू मेरे पास हो जाएगा 4 मेरे पास समय दिया है, ठीक, और बट्टा के हो जाएगा 100। जब एक राशि हमने एक्स मान लिया, तो दूसरी राशि कितनी हो जाएगी, 12,000 माइनस के एक्स, ये हो जाएगा सेकेंड प्रिंसिपल यहाँ से हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे तो इंटू का 6% दिया है, समय दिया है 4 और बटा के दिया है 100। इस तरह से सॉरी ये दोनों को जमा कर देने के बाद उसे कितना मिलता है, टोटल उसको मिलता है 2,580 रुपया मिलता है। तो यहाँ से हो गया 2,580 रुपया हो गया, ठीक, बस इसी को सॉल्व आउट कर देना है। तो यहाँ से जब करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5x पंचों के 20x कटा लेते हैं इसको, देखिए ये 4 से ये 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये 100 को छोड़ देते हैं, 2,580 में डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो 5 में 1 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, 5x प्लस देखिए 6×6=72,000 माइनस 6x बराबर 2,580 इंटू के दोनों 100 इस साइड में आकर के एलसीएम में तो गुणा हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से कर लिए, अब ये जब करेंगे तो 5x था और ये 6x था, यानी यहाँ पर क्या बच गया, x, और ये प्लस था तो उस साइड जाकर के कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2,580 माइनस के 72,000, कोई डाउट नहीं। यहाँ से जब माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर जो संख्या हमने प्लस यहाँ पर प्लस कर दिया, अभी इसके पहले मैंने बराबर किया था और इसी की वजह से हमने कटा दिया, लेकिन ये प्लस में तो कटेगा कैसे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रोसेस गलत हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर पहले वाला ध्यान आ गया था मेरे बात कि इक्वल कर दिए थे इसलिए कटा दिए थे। देखिए ये कैसे करेंगे, हम इसको फिर से समझते हैं। एक राशि होगी मेरे पास एक्स, दूसरी राशि कितनी होगी, 12,000 माइनस के एक्स हो जाएगी। ठीक, अब इस रेट कितना दिया है, 6% और टाइम दिया है 4, बट्टा के हम कर सकते हैं 100, और यहाँ पे कितना दिया है, 5% दिया है, समय आपके 4 और बट्टा के 100। ये दोनों राशि को ऐड करने के बाद हमें कितनी मिली थी, 2,580 रुपया मिली थी। ठीक, अब यहाँ से देखिए 4 से कटा सकते इसे 25 बार में, और ये 4 से कटा सकते इसे हम 25 बार में कटा सकते हैं दोनों। अब देखिए 5 से तो ये कट सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता है, और यहाँ से अगर हम छोड़ देते हैं इसे तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेने में आसानी होगा। तो ये ऊपर क्या बच गया, 5x/25 प्लस के ये कितना हो गया, 6×6=72,000 माइनस के 6 में 1 से गुणा होता है, 6x/25 हो गया 25 बराबर को हो गया आपके पास 2,580 हो गया। ठीक, अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे हम तो ये हो जाएगा कि ये देखिए 5x प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, ये 72,000 हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा माइनस के 6x बराबर में ये दोनों 25 को एक साइड हम कॉमन लेते हैं, तो 2,580 गुणे के 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये 6x और ये 5x यानी यहाँ पर क्या बचेगा, x बराबर में हो गया ये 72,000 और माइनस इसको जब गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 64,500 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो x की राशि मेरे पास कितनी आ जाएगी, 7,500 रुपया आ जाएगी। आप चाहे तो इसे एलिगेशन पर भी बना सकते हैं, जैसे एक राशि कितने हो जाएगी, 5% मेरे पास दिया हुआ है और दूसरी राशि कितने दिया है, 6% दिया हुआ है। ठीक, अब 12,000 रुपया होता दिया था, अब 2,580 रुपये उसको ब्याज मिला था, तो ब्याज 2,580 मिला था, तो इतना बटा मूलधन कर देंगे, सॉरी ये क्या दिया था,
25 इतना पाता है और इनटू के 100 कर देंगे, और यहाँ से जो पूरा वैल्यू आएगा वो हम इसको बीच में रख करके इसे हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाता है, 7500 रुपया हो जाता है। तो ये सारे प्रश्नों का डिस्कशन थे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे भाई इसे लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।